एक दोस्त ने आते ही एक बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि हुज्जाजे किराम अल्लाह के घर में जा रहे हैं, उनके लिए कोई बात आप कह दें। तो मैं उनके लिए तो इतना ही कह सकता हूँ कि वो हम सब को अपनी दुआओं में याद रखे, वो हमारे लिए वहाँ से दुआओं का तोहफ़ा जमा करके लाएं, नबी रहमत अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएं तो हमारी तरफ़ से भी वहाँ दुरूद व सलाम अर्ज़ करें। बाकी जहाँ तक मुझे अल्लाह ने मौका दिया है या मैं अगर किसी को किसी बात की जानिब तवज्जो दिलाऊंगा तो मैं अक्सर हुज्जाजे किराम से ये अर्ज़ किया करता हूँ, हज करने वालों से, उम्रा करने वालों से, हरमैन शरीफैन की हाज़िरी देने वालों से कि जब बैतुल्ला शरीफ का हज करने जाओ या हुजूर की अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी देने जाओ तो दो चीज़ें घर छोड़ के जाओ और दो चीज़ें साथ लेके जाओ, अपना गुस्सा और आराम तलबी का मिजाज ये घर छोड़ के जाओ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वाला जिदाल फिल हज, हज में झगड़ा नहीं करना, गुस्से घर छोड़ के जाओ। और ये जो बाज़ लोगों का मिजाज होता है ना हर वक्त आराम पसंदी का, मुझे अपनी मर्ज़ी से सोना है, अपनी मर्ज़ी से उठना है, ये चीज़ें ठीक नहीं होती। और फिर मैंने देखा है आप उन लोगों को देखें ना जो यहाँ से पहले कराची जाते थे, फिर वहाँ से बहरी जहाज़ का सफ़र करते थे, हफ्ते डेढ़ में वो वहाँ पहुँचते थे, अब तो हाजी के कपड़ों की इस्तरी ख़राब नहीं होती तो मक्का आ भी जाता है, बैतुल्ला शरीफ की ज़्यारत नसीब हो जाती है। लेकिन परेशानी पता नहीं किस बात की है, इतने डिस्टर्ब क्यों रहते हैं। तो आराम का मिजाज और गुस्सा, ये दो चीज़ें घर छोड़ के जानी है। और साथ क्या लेके जाना है, ज़ौक शौक़ को लेके जाना है, अदब और एहतराम को लेके जाना है। वहाँ ज़रा ज़ौक से रहें, ज़रा ताज़ा दम रहें, बुझे बुझे ना रहें, वहाँ ज़रा तबीयत के अंदर वारफ्तगी हो, प्यार हो, ज़ौक हो, मोहब्बत हो, इस तवानाई के साथ आप अल्लाह तबारक व तआला के घर जाएं और आदाब का खुसूसी ख्याल रखें। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अल्लाह का घर हो या नबी पाक अलैहिस्सलाम का रोज़ा नूर हो, हर जगह अदब को मलूज़े खातर रखें। इकबाल कहते हैं कि अदब गा हेस्त जेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बा यजीदी जा। कहते हैं जो हुजूर का रोज़ा है ये अर्श के नीचे इतनी नाजुक जगह है कि जहाँ जुनैद बगदादी और बायजीद बुस्तामी जैसे लोग भी अपनी सांसें बंद करके हाज़िरी देते हैं। ये ऐसी नाजुक जगह है जहाँ इतने इतने बड़े अकाबरीन और असलाफ भी अपनी सांसों को रोक कर चलते हैं। तो अजीज़ अदब से एहतराम से ए पाए नज़र होश में आ, ये कुवे नबी है, आँखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। तो ये दो चीज़ें छोड़ जाएं, दो चीज़ें साथ ले जाएं, अल्लाह ताला इस साल हज पे जाने वाले हर हर शख्स को कबूलियत वाला हज अता फरमा।